शाइस्ता खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया दस्तक। हमारा लक्ष्य है देश और दुनिया की खबरों को सत्यता और प्रामाणिकता के साथ आप तक पहुंचाना। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जलोन में एक मंदिर में 10 दिसंबर को 3 दहातियों की मूर्ति का चोरी का मामले का खुलासा किया है पुलिस ने। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया है। मंदिर में हुई चोरी की मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को करोड़ों में आंका जा रहा है। आपको बता दें कि जलोन कोतवाली क्षेत्र के गांव अमखेड़ा की राम जानकी मंदिर में बीती 10 दिसंबर को चोरों ने राम सीता और लक्ष्मण की अष्टधातियों की मूर्तियों को चोरी कर लिया था, जिसके बाद से पुलिस मामले का खुलासा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। बीती रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मूर्तियां चोरी के आरोपी मूर्तियों को गैर जनपद भेजने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने जलोन कोतवाली क्षेत्र के कोच बस स्टैंड तिराहे से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 मूर्तियां सहित गैंगस्टर की गैस कटर भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों पर पूर्व में भी मूर्ति चोरी सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। 9:10 दिसंबर की रात्रि में ग्राम अमखेरा है, थाना जालौन में, गांव से भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरी हो गई थी एक मंदिर से। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत एंटिक वैल्यू था उस मूल्य का। लोग बहुत से आंदोलित भी थे वहाँ के स्थानीय लोग। पुलिस टीम जो है इस केस का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी। हमारे स्वाट टीम और जो थाने की टीम है वो लोग निरंतर प्रयासरत थे। बीती रात हम लोगों ने 7 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से 3 मूर्तियाँ बरामद कर ली हैं। और इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो रामकेश पटेल नाम का आदमी है, जो थाना कोटरा का रहने वाला है। और ये पहले भी एक बार जेल जा चुका है मूर्ति चोरी में। ये जनपद झांसी के ऊंच से इसने मूर्ति चुराई थी और उसमें जेल गया था 2010 में। स्वाट टीम को और जो और हमारे अराजपत्रित अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं उनको प्रशस्ति पत्र भी दे रहा हूँ और 20,000 का नगद पुरस्कार भी दे रहा हूँ। तो ये थी जलोन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।